दोस्तों जैस्मिन और राहुल की फाइट तो हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं पिछले दो दिन से। अब कौन सही है कौन गलत है, जैस्मिन को ने जो दावा लगाया है राहुल वैद्य के खिलाफ कि राहुल वैद्य उनको जो है इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उनको फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उनको अपने मर्दानगी होने का मतलब सबूत टाइप बेसिकली बोल सकते हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है जैस्मिन राहुल से बहुत डर गई हैं। वो ये चीज़ें अभिनव से भी डिस्कस करती हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा डर गई हैं और वो ट्रॉमा उनको हो गया है, शी इज़ ट्रॉमेटाइज नाउ। और बिग बॉस जो है उनका थेरेपी करवाते हैं, थेरेपिस्ट को बुलाते हैं जस्ट बिकॉज जैस्मिन की हालत देखकर। सो वो अननेसेसरी इस चीज़ों को उतना लंबा ड्रैग कर रही हैं, सिर्फ एक टास्क में वो हार गई हैं। वाकई आप सबको लग रहा है कि जैस्मिन जो राहुल है उन्होंने जैस्मिन को सच में धमकी दी और उन्होंने जैस्मिन को जो है पर्पसली किया और जैस्मिन के साथ गलत हुआ है। आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है, कौन सही है कौन गलत। अगर सोशल मीडिया पे बात करो तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद राहुल वैद्य, जी हाँ वो राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रहे हैं। और कई सारे टीवी एक्टर्स हैं जो हैं, कुछ राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जो है जैस्मिन को। जैसे अगर मैं बात करूँ करण पटेल की, तो करण पटेल जैस्मिन को सपोर्ट कर रहे हैं। एली गोनी कहा जा रहा है जैस्मिन के रूमर बॉयफ्रेंड है, जो बहुत जल्द बिग बॉस के घर में एंट्री लेने वाले हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में। बट अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, वो भी कहीं ना कहीं जो है जैस्मिन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब पता नहीं एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, कई सारे लोग राहुल के सपोर्ट में हैं, कई सारे लोग जैस्मिन के। लेकिन अब फाइनली इसका बात तब पता चलेगा जब वीकेंड का वार होगा और सलमान खान आके इसके ऊपर अपनी राय देंगे और वो खुद इसे देखकर बताएंगे कि आखिरकार जैस्मिन ने इसे ओवरट्रैक किया है या सच में राहुल की गलती है। अब जो है वीकेंड के बाद में ही इसका खुलासा होगा और इसका पता चलेगा। लेकिन तब लोग आप लोग मुझे बताओ आपके हिसाब से आप लोग को क्या लगता है, क्या सलमान खान राहुल की लगाएंगे क्लास या वो करेंगे जैस्मिन को सपोर्ट, या वो जैस्मिन की लगाएंगे क्लास और वो करेंगे राहुल को सपोर्ट। क्या लगता है आपको कि वीकेंड के बाद में क्या होने वाला है, वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड साथ ही अगर आपको सारे अपडेट्स ऐसे ही पसंद आ रहे हैं बॉस के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।